मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनिदीपा। गुड इवनिंग। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं रेडी हूँ और जा रही हूँ काली पूजा के दर्शन के लिए। कल काली पूजा हुई है रात 12 बजे, कल दिवाली थी और हम लोग आज जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ काली माता की। और ये आप देख सकते हैं, ये है काली जी की मूर्ति जो कि हम लोग गए हैं पहली जगह। और ये जो है हमारे शहर में एक कोऑपरेटिव कॉलोनी करके जगह है, वहाँ के मोड़ पे होती है और ये काफ़ी पुरानी पूजा है, लगभग 70 सालों से यहाँ पे हो रही है। और ये रहा इसका पंडाल, ये आप देख सकते हैं केदारनाथ के जैसा ही रूप में बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। और लोगों की भीड़ भाड़ बनी हुई है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। कल दिवाली थी, कल लोग दर्शन के लिए नहीं आ पाए थे तो सभी लोग दर्शन के लिए आज आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छे खासा भीड़ हो रहा है। और दिवाली के बाद आप देख सकते हैं लाइटिंग चारों ओर सभी के घरों में देखते ही बन रही है सुंदरता। और अभी हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, यहाँ जो काली मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं मंदिर को भी बहुत ही खूबसूरत लाइटों से सजाई गई है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं माँ काली की। और काली मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं मेला देखने के लिए। एक्चुअली यहाँ काली पूजा का मेला लगा हुआ है, वहाँ पे भी पंडाल और मूर्ति हुआ है। तो चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी ऊंची प्रतिमा बनाई गई है और इस तरह से पंडाल का डेकोरेशन लाइटों से। और यहाँ की जो मूर्ति है वो काफ़ी बड़ी है और बहुत ही भव्य है काली जी की मूर्ति, आप देख सकते हैं। और दर्शन करने के बाद मैं और रोहित दोनों ही गोलगप्पा खाने के लिए पहुँचे हैं। और मेले में बहुत सारे छोटे बड़े स्टॉल्स आए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों की, ज्वेलरी के, बर्तन के, खिलौनों के। तो मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ, अगर मुझे अच्छे लगेंगे तो लूँगी और शेयर भी करूँगी। और ये मिला है खीर का प्रसाद, तो अभी हम लोग प्रसाद खा रहे हैं और जो चीज़ें लेनी थी मैंने ले ली है, मैं घर जा कर शेयर करूँगी। प्रसाद खा के हम लोग निकल रहे हैं मेले से। और मेले से लेकर आए हूँ जलेबी, तभी हम लोग जा रहे हैं जलेबी एंजॉय करने। तो चलिए चलते हैं। और किशन और रोहित कुछ कर रहे हैं लैपटॉप पे। और मैं आ चुकी हूँ मेले से घर वापस और कुछ चीजें ली है मैंने, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या लिया है। थोड़ी सी चीजें ली हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिया है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं इतनी सारी चीजें लेकर आई हूँ, रोहित बदमाशी कर रहा है। ये एक डब्बा लेकर आई हूँ, इसमें मैं रखूंगी रबड़ और क्लिप वगैरह। ये प्लास्टिक की डिबिया है, आप देख सकते हैं, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये लिया है। और ये लिया है रोहित बदमाशी कर रहा है मेरे साथ। और ये एक प्लेट है जो कि मैं मनी प्लांट वगैरह जो कप में रखती हूँ उसको रखने के लिए, नीचे के लिए
वो स्टैंड लिया है मैंने, तो ये 15 रुपीज़ करके ये प्लेट था। तो ये खाने पीने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बट हाँ उस तरह के छोटा पॉट या मनी प्लांट वगैरह जो लगाते हैं वो रख सकते हैं, ताकि नीचे फ्लोर पे पानी ना लगे टेबल वगैरह में। तो उसके लिए मैंने 2 प्लेट लिया है, ये एक राउंड शेप में है और ये इस तरह से एक चौकोर शेप में है। तो ये 2 प्लेट लिया है मैंने, और ये लिया है ये प्लास्टिक वाली बटरफ्लाई जो कि मैं घर में लगाती हूँ, तो मैंने घर में शिफ्ट करने वाली हूँ तो कुछ चीज़ें ले रही हूँ अभी। तो ये जो मैं घर पर लगाई हुई हूँ उसको निकालूँगी तो वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने ये नए बटरफ्लाई की पैकेट लिए हैं। और लिया है ये छनोटा, देख सकते इस तरह से है, तो एक छनोटा लिया है, बहुत ही लाइट वेटेड है और अच्छी लगी मुझे, तो ये एक लिया है। और लिया है 2 बकेट, ये बकेट बहुत ही अच्छी लगी मुझे, 40 रुपीज़ करके मैंने ये बकेट लिया है 2। ये आपको ब्लू दिख रहा होगा बट ये पर्पल है एक्चुअली इसका कलर, तो वो ये एक पर्पल और एक येलो 2 लिया है। ये स्टोरेज के तरह से यूज़ करती हूँ मैं, देखा होगा आपने मेरे डाइनिंग टेबल पे भी इस पर अचार की डिब्बी और स्पून वगैरह रखती हूँ, तो ये स्टोरेज रखने के लिए एक जगह रखता है, तो वो उठा के ऐसे क्लीन करने में सुविधा होता है, तो ये स्टोरेज के लिए मैंने लिया है 2 बकेट, तो ये काफ़ी मजबूत है। तो बस इतनी सी शॉपिंग है मेरी मेले की, लिया है मैंने मेले से और बहुत मजा आया, घूमे हम लोग। बाय, गुड नाइट। और यहाँ पे मैं कुछ क्लिप्स डाल रही हूँ जो कि रिया ने बनाया था अपने हॉस्टल में दिवाली के दिन, ये वाला रंगोली तो रिया बना रही थी, तो उसने मुझे भेजा था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। आप लोग रिया के बारे में पूछते हैं बार बार, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा रिया को देख के। इस तरह से प्रिपेयर कर रही थी वो रंगोली अपने रूम के बाहर। गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा, गुड इवनिंग। और अभी शाम का टाइम है और मैं रेडी हूँ और निकल रही हूँ थोड़ा सा मार्केट, सब्जी वगैरह थोड़ा सा लाना है। और ये रहा रोहित, रोहित कुछ कर रहा है लैपटॉप पे। और आज हम लोग का प्लानिंग है मूवी जाने का, तो अभी मैं सो गई थी, उसका रोटी हूँ फ्रेश वगैरह होके और अभी रेडी हुई हूँ और अभी जाएंगे हम लोग मूवी देखने रात में। कितने बजे का शो है? 7:45 का ना, 7:45 से हमारा शो है, तो तब आती हूँ मार्केट से सब्जी वगैरह लेके, उसके बाद फिर रोहित भी रेडी रहेगा घर पे, और उसके बाद फिर हम लोग तीनों चलेंगे मूवी देखने। तो जाती हूँ फटाफट, पहले सब्जी वगैरह ले आती हूँ क्योंकि सब्जी नहीं है कुछ भी घर पे। और सब्जी वगैरह लेके मार्केट से आ चुकी हूँ, क्या क्या लाई हूँ दिखाऊंगी। ये रहा बैगन और इसमें है और सारी सब्जियाँ, और सब्जी वगैरह लेकर आ चुकी हूँ मैं, और अब हम लोग निकल रहे हैं मूवी के लिए क्योंकि टाइम भी होने वाला है। और ये रहा रोहित, रोहित को हल्का सा कोल्ड हो गया है इसलिए उसने हुडी डाल लिया है। चलो। और ये रही रोहित की बिल्ली, रोहित को बाय बोलने आई है ना रोहित? वो तो हाय बोलने आई है। हाय बोलने आई है, ठीक है, बाद में बात करेंगे तुमसे, अभी जा रहे हैं मूवी देखने हम लोग। मियाओ, बाय मियाओ, बाय मियाओ। मॉल में इस तरह की सजावट तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और हम पहुंच चुके हैं पीवीआर के अंदर और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है अभी, और इधर बैठा है रोहित और इधर है किशन। और मूवी खत्म हो चुकी है और हम निकल रहे हैं और बज रहे हैं रात के 10:30। मॉल जो है ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, आप देख सकते हैं सारे जो स्टॉल्स हैं। चलो नीचे चलते हैं, इसमें सब कुछ बंद हो चुका है और इसके बाद फिर एक शो है, बट फिर भी सब कुछ बंद बंद लग रहा है, खाली खाली सा है। और अभी रात के 11 बज रहे हैं, हम लोग घर पहुंच चुके हैं अभी अभी, और सबको भूख लग गई है, किशन को, रोहित को, मुझे भी, तो हम लोग खा रहे हैं मिठाई। और ये वाली जो मिठाई है ये दिवाली में मंगवाई थी हम लोगों ने, तो मैं खा रही हूँ ये दिया वाली मिठाई, और आप देख सकते हैं ये मिठाई बहुत ही सुंदर थी, एकदम रियल दिया जैसी।
एक्चुअली ये काजू बर्फी है, काजू की है ये मिठाई, और इसका जो लुक है वो एकदम प्रॉपर दिए जैसा था। तो किशन को ये बड़ा अच्छा लगा था, ये दिया वाला मिठाई दिवाली में लेकर आए थे किशन। तो ये बस एक पीस बचा हुआ है, तो लास्ट पीस हम लोग खाएंगे तीनों मिलके। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। फिर मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।